एक्ट्रेस निया शर्मा कानूनी पचड़े में फंसने के कारण सुर्खियों में आ गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार निया शर्मा की भाभी ने उनके परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में निया शर्मा को भी दिल्ली हाई कोर्ट ने समन भेजा है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। निया शर्मा को घरेलू हिंसा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने समन जारी किया है। निया शर्मा, उनके भाई और मां के खिलाफ उनकी भाभी ने घरेलू हिंसा को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है और उसमें बेहद गंभीर आरोप है। भाभी ने शिकायत में निया शर्मा के साथ साथ अपनी सास और पति पर उनके साथ मारपीट का आरोप लगाया है। निया शर्मा की भाभी ने पुलिस में जो शिकायत दर्ज की है उसके मुताबिक निया शर्मा ने अपने भाई और मां के साथ मिलकर भाभी के साथ दुर्व्यवहार किया है। घरेलू हिंसा की इस घटना में निया की भाभी ने पूरे परिवार का जिक्र किया है। वहीं मुंबई पुलिस के जरिए इस मामले में निया शर्मा और उनकी मां को नोटिस भेज दिया गया है। इस मामले में अभी और जानकारी सामने आना बाकी है। निया शर्मा की भाभी द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के मुताबिक निया ने भाई और मां के साथ मिलकर उन्हें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया था। वहीं कोर्ट का कहना है कि प्रथम दृष्टया प्रतिवादी नंबर 2 और नंबर 3 के खिलाफ आरोप हैं। मुंबई पुलिस के जरिए निया शर्मा और उनकी मां को नोटिस जारी कर दिया गया है। बता दें, निया शर्मा के भाई विनय शर्मा ने फरवरी 2022 में शादी की थी। शादी दिल्ली में हुई थी और तब एक्ट्रेस ने भाई और भाभी की शादी की खूबसूरत फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए थे। निया शर्मा जब 14 साल की थी तो उनके पापा गुजर गए थे। इस बारे में उन्होंने डांस रियलिटी शो झलक दिखलाजा में बताया था। निया शर्मा ने बताया था कि उन्होंने और परिवार ने कई साल तक स्ट्रगल किया। भाई को बहुत ही कम उम्र में नौकरी छोड़नी पड़ी ताकि वह परिवार को पाल सके। निया शर्मा के मुताबिक माँ ने भी उनके लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, इसलिए लोग क्या कहते हैं इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। निया ने बताया था कि उन्हें और भाई को पालने के लिए माँ ने दिल्ली में अपने सारे रिश्तेदारों तक को छोड़ दिया था। निया शर्मा की अगर बात करें तो वह काफी समय से टीवी से दूर थी, लेकिन हाल ही में वह सुपर नेचुरल शो सुहागन चुड़ैल के साथ कमबैक किया और रियलिटी शो लाफ्टर शेफ में भी नजर आ रही है। निया शर्मा टीवी इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम है। निया शर्मा कई टीवी सीरियल और रियलिटी शोज का हिस्सा रह चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, नवभारत टाइम्स।